हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट एम के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स बहुत बार मेडिकल फील्ड के एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में तो फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ स्टोमक ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्टोमक का कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है मतलब स्टोमक का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है स्टोमक का पाइलोरिक पोर्शन मतलब स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट द डाइजेस्टिव ऑफ प्रोटीन मतलब ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है पैप्सिन एंजाइम मतलब पैप्सिन एंजाइम ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है द मेजोरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द मतलब ह्यूमन बॉडी में जो इनडाइजेस्टिबल फूड होता है मतलब जो भोजन हमारी बॉडी में पचता नहीं है उसका अधिकांश वाटर किस में एब्जॉर्ब होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर इज बाइल जूस फॉर्मेड इन द ह्यूमन बॉडी मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस मतलब पितरस कहाँ बनता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है लीवर मतलब यकृत नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सिक्रेट्स द एंजाइम डाइस्टेस मतलब ह्यूमन बॉडी में वह कौन सा पार्ट होता है जो एंजाइम डाइस्टेस का सिक्रेट्स करता है मतलब श्रावित करता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑरल कैविटी फ्रेंड्स ओरल कैविटी में ही एंजाइम डाइस्टेस का सीक्रेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई द एलनेस सीरोसिस मतलब सीरोसिस डिजीज होने पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है या प्रभावित होता है तो इसका आंसर होता है लीवर मतलब यकृत नेक्स्ट क्वेश्चन है ट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन मतलब डायजेशन में स्लाइवा का क्या फंक्शन होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है स्टार्च फ्रेंड्स हमारी स्लाइवा में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्मेड आफ्टर डाइजेशन एन टू मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम भोजन खाते हैं वह है डाइजेशन के बाद में जो प्रोटीन होता है वह किसमें परिवर्तित होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है एमिनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेनक्रियाटिस सेल आर सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन मतलब पेनक्रियाज की कौन सी सेल या कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है तो इसका आंसर होता है पेनक्रियाज की बी सेल्स मतलब पेनक्रियाज में जो बी सेल्स होती है वह इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टैक्स प्लेस इन मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैट या वसा का अधिकांश पाचन कहां होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट का डाइजेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड डेस्ट्रॉइज द बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टोमक मतलब ह्यूमन बॉडी में कौन सा एसिड स्टोमक में एंटर होने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है या डेस्ट्रॉय करता है तो इसका आंसर होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन्स इन द मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर होता है ऑरल कैविटी। मतलब ऑरल कैविटी से ही कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्पेशन अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑकर्स इन द मतलब अधिकांश न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्पेशन एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से कहां पर होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है जेजुनम फ्रेंड्स जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बेंग मतलब ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है तो इसका आंसर होता है लगभग एट टू नाइन मीटर मतलब एलिमेंट्री कैनाल आठ से नौ मीटर लंबी हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज एक्सक्लूटेड इन बकल कैविटी मतलब बकल कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है चेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च मतलब स्टार्च के पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है टाइलिन एंजाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ सेल इन द म्यूकोसा रीजन ऑफ द स्टोमक सिक्रेट पैप्सिनोजन मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टोमक के म्यूकोसा रीजन में कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है सेल मतलब चिप सेल ही स्टोमक के म्यूकोसा रीजन में पैप्सिनोजन सिक्रेट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एमाइलेज इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजाइम एमाइलेज किसके पाचन में हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ मतलब बाइल जूस किसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है तो इसका आंसर होता है फैट मतलब फैट के डाइजेशन में बाइल जूस हेल्पफुल होता है नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लॉब्स इन द लीवर आर मतलब लीवर में लॉब्स की टोटल संख्या कितनी होती है मतलब लीवर में कितने लॉब्स होते हैं तो इसका आंसर होता है फोर लॉब्स मतलब लीवर में चार लॉब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है तो इसका आंसर होता है इनेमल फ्रेंड्स इनेमल हमारे टिथ के ऊपर पाई जाने वाली लेयर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग फूड स्टोर्ड इन स्टोमक मतलब ह्यूमन बॉडी के स्टोमक में खाना कितने टाइम तक जमा या स्टोर रहता है तो इसका आंसर होता है 40 मिनट से लेकर दो घंटे तक नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप ऑफ गाल ब्लेडर रिसें मतलब गाल ब्लेडर का सेप या आकार किसके समान होता है तो इसका आंसर होता है पीएर सेप मतलब गाल ब्लेडर का सेप एक नाशपति के समान होता है तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें